डेरिवेटिव हमें दे दिया एफ एक्स का और साथ में मेंशन करके दिया है कि एफ टू जो है वो जीरो के बराबर है, ठीक है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो आप बताइए कि एफ एक्स कितना होगा। अब क्वेश्चन है एफ एक्स का डेरिवेटिव 4x³ - 3/x⁴ होता है, तो एफ एक्स निकालना है। अब आपको मैंने कल क्या बताया था कि डेरिवेटिव का अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। हम क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों जगह इंटीग्रेशन करने से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये तो कैंसल आउट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद ऑनली एफ एक्स। और इधर क्या आया, 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस 4 डी एक्स। कैसे आया ये, तो एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया, ये जो 1/x⁴ है इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स रेस टू द पावर माइनस 4 लिख दिया। अब आप इसको आगे कैरी आउट करो। अच्छा, जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डालना मैंडेटरी हो जाता है, तो साथ में डाल दिया प्लस सी। इससे इंटीग्रेट किया, इससे इंटीग्रेट किया, साथ में डाल दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट एफ एक्स आ गया, इसको सेपरेट करके ये लिख दिया और सी को चलने दो। तो अब आपका एफ एक्स है 4x⁴/4 - 3 x की पावर -4+1 कितना हो गया -3। तो ऊपर आएगा -3 तो नीचे भी आएगा -3 प्लस सी। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ + 1/x³ + c। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अपने पास आया एफ एक्स फंक्शन जो है वो x⁴ + 1/x³ + सी के इक्वल है। अब आप इसमें यूज करो जो लास्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी। आपको लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एफ टू इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ टू जीरो है तो आंसर क्या होना चाहिए, एफ टू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक्स को रखते हो 2 तो एफ एक्स बनना चाहिए 0। एफ टू इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स को 2 रखने पर आंसर 0 आएगा। अब x को अगर आप 2 रखते हो तो आता है 2⁴ + 1/2³ + c should be equal to 0। तो अब c की वैल्यू कितनी आ जाती है, कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से आपको c मिल जाएगा। तो योर c फंक्शन इज नेगेटिव -4 - 64 + 1/8, यही बना ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो जरा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहां से आपको एग्जैक्टली जो है जो भी आंसर आपका आना होगा वो मिल जाएगा और वो पुट करके योर सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो आप इसमें से आप छांट सकते हैं कि किसका क्या आंसर बनेगा, मुझे तो यहाँ कोई गड़बड़ लग रही है। अब कर लेना इसको पूरा, हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैं उसके ऊपर आती हूँ। अब अगला जो पोर्शन है जो कि हमें सीखना है वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक तीसरा मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस में बेसिकली ये तीन तरह के इंटीग्रेशन हैं, तीन टाइप हैं जो कि आप लोगों को करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इनमें ये दो मेथड्स तो बिल्कुल एंड में एक एक एक्सरसाइज है इनकी। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सारे जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं। जो 7.1 एक्सरसाइज है इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी, इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि इसमें बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि डायरेक्टली तो क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें सब्स्टिट्यूशन का एलिमेंट डाल दें, जैसे कोई फंक्शन है उसको हमने टी या जेड सपोज कर लिया, उसके हिसाब से फिर हमने उसको वेरिएबल को चेंज करके नए वेरिएबल की फॉर्म में अपने इंटीग्रेशन को ले आए ना,
तो हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये इसमें पढ़ेंगे। यहाँ बस होता क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, आपको बहुत बार कुछ ऐसा नजर आएगा जैसे fx, f'x, dx, आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एक ही जगह नजर आएंगे। जब फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिखाई दे रहे हैं तो फंक्शन को अगर आप t अज्यूम करोगे ना तो डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है वो dt में चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने मान लिया fx है t, तो fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dt by dx बनेगा। अगर मैं fx को t मानू तो f'x किसमें कन्वर्ट हो जाता है, dt by dx में। अगर ये dt by dx में कन्वर्ट हो जाता है तो f'x dx का क्या बन जाता है, dt बन जाता है। तो जो इंटेग्रल हमारा बड़ा सा आ रहा था पहले, उसमें fx को t मानने से ये पूरी क्वांटिटी dt में चली गई, सिर्फ t dt बना और हमें क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ये बेसिक जस्ट है इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या-क्या करते हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो खाली एक ही है कि आपको आइडेंटिफाई सही सही करना है कि किस फंक्शन को हम क्या एज्यूम करें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाए। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेट करना है 2x upon 1 plus x square dx, ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। योर क्वेश्चन इज व्हाट, इंटीग्रेट 2x डिवाइड बाय 1 plus x square विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, ये जो 2x है ये इस 1 plus x square का डेरिवेटिव बनता है। एग्जैक्टली देखें तो x square का डेरिवेटिव होता है 2x। अगर खाली x dx भी हो ना तो x square डेरिवेटिव लेने पर पावर एक स्टेप कम होती है, तो x की 2 का डेरिवेटिव x में जाएगा। तो x अगर हमें नजर आ रहा है ना तो हमें ये पता चल जाता है कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। 1 का जहां तक है 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0, तो ये अफेक्ट करेगा नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन देखेंगे कि लेट 1 plus x square is equal to t। फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये बनेगा 2x is equal to dt by dx, यानी कि 2x dx is equal to dt। आप चाहो तो फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप सीधा भी लिख सकते हो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, x square का 2x dx is equal to t का dt। चाहो तो दोनों को एक साथ, क्योंकि dt upon dx का dx ही हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसको यूज करने पर हमारा जो इंटीग्रल था यानी कि 2x dx upon 1 plus x square, ये किसने कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाली क्वांटिटी को तो हमने रिप्लेस कर दिया dt से, नीचे वाली को रिप्लेस किया t से। अब dt by t, dt by t का मतलब किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो आप 1 by t का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t। सो योर आंसर विल बी log of t plus c। ये आंसर आ गया log t plus c। अब आपको वापस t को रिप्लेस करना है फाइनल आंसर लिखने से पहले। t किसको माना था हमने, हमारे लिए t क्या था, t था 1 plus x square, तो हमारा आंसर बनेगा log of 1 plus x square plus c, और इस तरह से आंसर हमारे पास आ जाता है। दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में जो मेन काम है वो आइडेंटिफिकेशन का है। आपने सही सही आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आंसर भी बिल्कुल अच्छे से आराम से निकाल पाओगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो जरा, 1 अपॉन x प्लस x log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, हम इसे x को कॉमन लिखकर लेकर 1 प्लस log x लिख सकते हैं। कैन वी से इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x कॉमन 1 प्लस log x, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई करो, क्या किसी चीज का डेरिवेटिव यहां नजर आ रहा है आपको, कोई ऐसी चीज जिसका डेरिवेटिव डायरेक्टली प्रेजेंट हो। यस मैम, log x का 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। अच्छा 1 को साथ में ले सकते हैं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है। तो ना हम यहाँ अजम्पशन ले लेते हैं, मैंने मान लिया कि 1 plus log x is equal to t,
तो वन का डेरिवेटिव जीरो, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन एक्स को आप डी टी से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो डी एक्स अपॉन एक्स है इसकी जगह तो डी टी आ गया। इस वन प्लस लॉग एक्स को हमने टी मान लिया। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, अभी किया ही था, डी टी बाई टी का मतलब लॉग टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ, अब टी की जगह क्या रखते हैं, वन प्लस लॉग एक्स, जो भी हमने अजम्पशन दिया था, प्लस सी, एंड दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, ये है क्वेश्चन। अब यहां भी अगर डायरेक्टली देखो ना तो बेटा ऐसा फंक्शन किसी का पूरा पूरा तो आइडेंटिफाइबल फॉर्म में है नहीं। जितने फॉर्मूले आपको बताए गए थे उनमें से कोई रिजल्ट यहाँ तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। आप एक चीज तो नोटिस कर सकते हो, कोस का डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है साइन, देखो साइन ऑफ कॉस एक्स में एंगल की जगह कॉस एक्स चल रहा है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। तो हम अजम्पशन ले लेते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। तो अब साइन ऑफ कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ कॉस एक्स तो आपका बन गया साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये नेगेटिव साइन जो है, जैसे साइन एक्स डी एक्स का नेगेटिव अगर डी टी बन रहा है तो साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी कह सकते हो ना। तो इस क्वांटिटी को, इसको और इसको तो हमने माइनस डी टी से रिप्लेस कर दिया, और ये बीच वाला बन गया साइन टी। अब माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस माइनस मिलकर क्या आ गया प्लस। तो योर आंसर इज कोस टी, क्या था वापस रख दो, तो कोस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये चलेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव है इंटीग्रेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहां तो आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक एक्सरसाइज मतलब लगा सकते हो। यहाँ साइन और कोस दोनों प्रेजेंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है। यू कैन टेक एनी वन, मान लो मैंने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी माना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स डी टी के इक्वल आएगा। यहाँ डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगा, डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए, वही चेन रूल जो आपने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ा था। तो कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी टी अपॉन ए, इसको हम डी टी बाई ए लिख सकते हैं। अब ये क्वांटिटी डी टी बाई ए आ गई, तो अब आपका इंटेग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो इसको तो मैंने माना टी, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी आ गई डी टी बाई ए, वन बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, अंदर बचा पी डी टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आंसर क्या आया, वन अपॉन टू ए, टी का इंटीग्रेशन, टी को क्या माना था हमने, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। आगे भी जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं वो इसी टाइप के हैं। मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अब नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करूंगी।